सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को शांता जी हरिहरन सर हौले हौले के लिए, ये नाम से ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत ही रोमांटिक ये होने वाला है जी, की क्योंकि रोमांटिक सीजन भी चल रहा है बहुत रोमांटिक। आप लोग बताइए किस तरह का एक्सपीरियंस है आप ये गाना बाकी जैसे हौले हौले तेरे नाम कहूँ तेरे नाम करूँ मैं हाँ तेरे नाम करूँ मैं तो ये पूरा रोमांटिक ही है आपने लिखे हैं गाना और जैसा लफ्ज है वैसा ही गाना बनता है शब्द प्रदान है तो शब्द को देके आप गाना बनाते हैं और इन्होंने बहुत साधना जी ने बहुत अच्छी गाई है कोशिश की है हमने इसमें चार चांद लगाने के लिए मेरे बेटा अक्षय ने इसका म्यूज़िक प्रोडक्शन किया है अरेंजमेंट्स किया है तो सब साथ मिलकर ये किए हैं और मुझे उम्मीद है कि लोगों को अच्छा लगेगा जी बिल्कुल साधना जी के साथ हौले हौले के साथ का एक्सपीरियंस एंड सर जो कंपोजर हैं सर हरिहरन जी उनके साथ का कैसा एक्सपीरियंस हरी जी तो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है और हम सब उनके शिष्य हैं समझिए गुरु स्थान पे हैं वो और अक्षय जी ने जो अच्छा से अरेंजमेंट किया है पूरे गाने का और बहुत अच्छी उसमें उन्होंने काम किया है तो सब मिला के इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद वर्किंग विद हरी जी सर आप दोनों से ही जानना चाहेंगे एज ए म्यूजिक कंपोजर एज ए सिंगर जब आपके कोई भी गाने आउट होते हैं बाहर आते हैं चाहे सिंगल हो एल्बम हो या गाने हो लोगों को बहुत ही पसंद होते हैं और हर किसी की जुबान पर होते हैं तब एज ए म्यूजिक कंपोजर एज ए सिंगर एज ए डायरेक्टर क्या कुछ फील करते हैं आप खुशी महसूस होती है क्योंकि जो आप एक चीज़ तैयार किए हैं उसमें जो भी करते हैं बहुत मेहनत से करते हैं मेहनत का काम होता ही है और एक थॉट को हम पेश करते हैं संगीत का रूप तो नहीं है सिर्फ सुन सकते हैं आप एक थॉट है एक प्रोसेस है एक फीलिंग है और जब वो आम मतलब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया इससे बड़ा पेमेंट क्या सच चाहिए बहुत बहुत खुशी होती है कुछ किसी ने कहा रे आपका ये गाना और गुनगुना के भी सुनाते हैं बड़ा मज़ा आता है टोन मोबाइल में रिंगटोन भी सुनाई देती है वो ठीक है वो अलग बात है बट जब याद करके सुनाते हैं बड़ा यार बड़ा अच्छा लगता है जब लोग इस तरह से प्यार करते हैं आप मुझे तो सारी लोगों ने सबसे पहले वो गाना किसने गाया वो हरिहरन साहब का नाम पहले आ जाता है एंड आई एम सो हैप्पी आई एम सो प्राउड मतलब आई हैव नो वर्ड्स मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि हरी जी ने कंपोज किया तो आई एम ऑन द सेवेंथ क्लाउड यू कैन से बट ये हीरोइन जो है गाने का यही है हम तो पीछे हैं सब अरे नहीं सर नहीं बिल्कुल क्योंकि हमने देखा आपके बेटे भी इसके करता धरता है उन्होंने भी बहुत कुछ संभाला और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नए नए सिंगर म्यूजिक कंपोजर भी आ रहे हैं मैडम सर तो बहुत सारे गाने भी हम देख रहे हैं रिक्रिएट भी हो रहे हैं उस पर आप लोगों के क्या हम रिक्रिएट नहीं करते हैं क्योंकि क्रिएशन के लिए बहुत काम है अभी बाकी तो रिक्रिएट नहीं करते हैं क्योंकि जो किया है बहुत ही अच्छा है उसका मज़ा लो उसी रूप से मज़ा लो और जिनको कुछ करना है बहुत इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छी बात है ये सिर्फ जो एक रूह है पुरानी चीज़ की उसे खो मत जाइएगा उसको रखते हुए आप उसे नयापन लिबास जो है वो कुछ नयापन उस पर मतलब वैर मगर सोल को चेंज मत कीजिएगा सोल ज़रूरी है देखिए सब जॉनर के पसंद करने वाले लोग हैं गज़ल सुनने वाले लोग हैं रीमिक्स सुनने वाले लोग हैं पॉप है रॉक है तो सभी अच्छा है इसमें क्या होता है ना कि गाना जो है ट्यून रखते हैं उस पर स्लाइटली हारमोनी चेंज कर देते हैं क्योंकि हारमोनी जो है वो चेंज करने से गाना अलग लगता है म्यूज़िकली सुनने में अलग लगता है वो करते हैं कभी कभी बीट्स जो हैं रिदम ग्रूव जो हैं उसको चेंज कर देते हैं चलिए जाते जाते साधना जी दो लाइन अगर आप नहीं आप सुनिए अंदर चलिए साधना जी ठीक है अंदर